नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के पूर्व राजनीतिक सचिव अहमद पटेल से शनिवार को ईडी की टीम ने उनके घर पर संदेसरा बंधुओं से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। आपको बता दें, ये मामला गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक की तरफ से 14,500 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर संदेसरा बंधुओं चेतन और नितिन और कई अन्य के खिलाफ जांच से जुड़ा है। संदेसरा ग्रुप के मालिकों से अहमद पटेल के करीबी रिश्ते का आरोप है। बता दें कि पटेल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईडी दफ्तर जाने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद ईडी के अधिकारी पटेल के घर पहुंचे और उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि कई बैंकों के कई हजार रुपए ठगने के बाद संदेसरा ब्रदर्स साल 2017 में देश को छोड़कर फरार हो गए थे। संदेसरा के खिलाफ सीबीआई और आयकर विभाग समेत कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। ईडी की टीम शनिवार को पटेल के घर करीब दोपहर 12 बजे पहुंची और इस केस में 8 घंटे तक पूछताछ की। ईडी की इस पूछताछ के बाद कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दोस्त मेरे घर पर आए थे, मुझसे जो भी सवाल पूछे गए उनका मैंने जवाब दिया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए विपक्ष पर निशाना साध रही है। अच्छा, मोदी जी और अमित शाह जी के मेहमान आए थे, अभी अभी आके गए हुए हैं। दे केम, दे आस्क्ड, आई रिप्लाई देयर क्वेश्चंस एंड दे हैव गॉन बैक। वो आए, मुझे प्रश्न पूछे, मैंने जवाब दिए और चले गए। मुझे तरस तो उन लोगों पे आ रही है कि जो ये समय है, जो चाइना ने हमारी जमीन ले ली है उसे वापस लेने का, तो उनके खिलाफ लड़ने के बजाय ये अपने जो अपोजिशन है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। कोरोना लोग आज परेशान है, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, उसकी वजह अपोजिशन के साथ लड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी सारी है, हमारे श्रमिक जो वर्कर्स हैं वो परेशान है, उनके लिए कुछ करना चाहिए, उसकी वजह अपोजिशन के साथ लड़ रहे हैं। और जो आज गरीबी है, गुर्बत है, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, उसकी वजह अपोजिशन से लड़ रहे हैं। मुझे तो तरस उन लोगों के बात पे उन पर आ रहा है कि जो सत्ता में है लेकिन पावर इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, कानून को कानून का काम करने दो। जब हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। जितनी भी इंक्वायरी करें, जितनी भी जांच करें, उनको कर लेने दो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, कांच के होते हैं, उनको जरा उतना भी ख्याल करना चाहिए कि कोई हमारे घरों पर भी पत्थर फेंक सकता है। धन्यवाद। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अहमद पटेल ने कहा, यदि आप देखें तो आपको पिछले कई सालों में एक स्पष्ट पैटर्न जरूर दिखाई देगा। हर बार जब राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा चुनाव या सरकार पर संकट आता है तो एक व्यक्ति के निर्देश पर जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी अहमद पटेल के बेटे फैजल और इरफान से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। 14,500 करोड़ रुपए के बैंक ऋण में धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में आरोपी नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा फरार हैं। आपको बता दें, स्टर्लिंग बायोटेक मामले को लेकर अहमद पटेल से मंगलवार को फिर पूछताछ होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।